सत श्रीकाल दोस्तों, विश्व ग्यारह मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सब का स्वागत है। अज के इस लैक्चर के पंजाब की एक परसनैलिटी बारे गल कर जा रहे हैं, फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय बारे। की योगदान है लाला लाजपत राय का इंडिया की फ्रीडम के, सब कुछ आप इस लैक्चर के पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। लाला लाजपत राय का जिहड़ा जन्म है ओ डुडीके पिंड जिला मोगा पंजाब विखे होया। इन्हों का जन्म 28 जनवरी 1865 ईस्वी डुडीके पिंड होया। लाला लाजपत राय नूं पंजाब केसरी के नाम नाल भी जाना जाता है। उन्होंने पंजाब नैशनल बैंक ते लक्ष्मी इंश्योरेंस की स्थापना, जिन्हें 1894 ईस्वी के स्थापना हुई सी, आपका योगदान पाया। 1880 ईस्वी उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर विच एडमिशन लिया, तो उतों उन्होंने कानून की डिग्री पास की। इतने ही लाला लाजपत राय जी आर्य समाज के मैंबर बने। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी दयानंद सरस्वती ने की। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी के आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने आर्य गजट का संपादन वजों भी काम किया। महात्मा हंसराज की सहायता नाल उन्होंने लाहौर विच डीएवी स्कूल की स्थापना की, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां के कारण इन्हों 1907 के मांडला जेल जिहड़ा कि अज बर्मा म्यांमार विच है, उत्थे उन्होंने जिहड़ा हैगा भेज दिता गया, जेल विच उन्होंने भेज दिता गया। ब्रडल लॉफ हॉल के नैशनल कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने ब्रडल ऑफ हॉल लाहौर विखे नैशनल कॉलेज की स्थापना की। उस तो बाद लाला लाजपत राय 1917 अमेरिका चले गए, तो उत्थे उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की 1917। थोनू पता है कि होम रूल की स्थापना इंडिया के दो पर्सन ने की सी। एक बाल गंगाधर तिलक तो दूजे सीगे एनी बेसेंट। देखो, बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल की जी इस्टैबलिशमेंट है 1916 इंडिया के की। एनी बेसेंट आयरलैंड तो सी। इन्हां ने होम रूल लीग की स्थापना जिहड़ी है वो इंडिया दे विच कीती। ते इस तरह लाला लाजपत राय ने न्यूयॉर्क दे विच इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1917 दे विच कीती। 1920 दे कांग्रेस दे विशेष अधिवेशन विच, कांग्रेस का इंडियन नैशनल कांग्रेस का विशेष अधिवेशन जिहड़ा कोलकाता दे विच होया सीगा, उत्थे ओ कांग्रेस दे प्रधान बने सीगे। 1921 ईस्वी विच सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी लाहौर विखे उन्होंने एक संस्था एक सोसायटी बनाई सी, जिहदा नाम सीगा सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी। 1928 ईस्वी विच ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 पास किया, इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है। 1919 के विकास कार्यों की जांच लई एक कमीशन बनाया गया सीगा, इस कमीशन का नाम सीगा साइमन कमीशन, जिस दे चेयरमैन सीगे सर जॉन साइमन। इस दे विच टोटल 7 मैंबर सीगे। इस कमीशन दे विच कोई भी भारती शामिल नहीं सीगा। तो यह कमीशन जिथे भी गया हरेक भारतीयों ने इहदा विरोध किया, साइमन गो बैक दे नारे लगे। लाहौर विच लाला लाजपत राय इस कमीशन का विरोध किया। इस विरोध के खिलाफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स ए स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिता, तो इसे लाठी वजो लाला लाजपत राय जख्मी हो गई। तो 17 नवंबर 1928 ईस्वी लाहौर विखे चलाना कर गए। उस तो बाद कुछ शब्द कुछ लाइन जिहड़ियां लाला लाजपत राय द्वारा कही गई ने, वो की है। I declare that blow struck at me today will be the last nails in the coffin of British rule in India. मेरे सिर ते पै रही हर एक लाठी ब्रिटिश रूल दे लई
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਫਿਨ ਹੈ, ਕੋਫਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਫਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਫਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੀਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਲਾਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਕੋਫਿਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਫਿਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਲਾਸਟ ਕੀਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਾਰਡ ਡਫਰਿਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1885 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀਗੇ ਲਾਰਡ ਡਫਰਿਨ, ਤਾਂ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਾਰਡ ਡਫਰਿਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਦਾ, ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਮਾਈ ਡਿਪੋਟੇਸ਼ਨ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 1916, ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡਸ ਡੈਪ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਆ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਐਂਡ